अमेठी की हार ने तपस्वी बना दिया, चोट तो लगेगी। ये अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गए? क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बहुत दिन नहीं रही, इसलिए अमेठी नहीं आई। आती तो हिसाब मांगते हैं हमको अमेठी को लेकर। या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को? मैं आपको 14 याद नहीं है स्मृति? कौन सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री है? श्रीमती स्मृति ईरानी। क्योंकि अब की बार मोदी सरकार एक एक अक्षर पर चढ़कर जनता ढूंढ रही है कि मेरे हिस्से का अच्छा दिन कब आएगा। Exactly. Yeah, wow, लेकिन सवालों की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आजकल स्मृति जी आप शिक्षा पर कम, राहुल गांधी पर ज्यादा बोल रही हैं, उन्हें खूब ललकार रही हैं। भाजपाई जब जीतते हैं तो दलालों को बड़ी खुशी होती है क्योंकि उन्हें तो अपना सैलरी का इंक्रीमेंट दिखाई देता है, पर स्मृति ईरानी जी के केस में ऐसा नहीं है। गोदी मीडिया पूरे मजे लेती है जब स्मृति ईरानी जी की यादगार हार होती है। तो अब जब गोदी मीडिया मजे ले ही रही है तो उनकी सबसे अव्वल दर्जे की जो दलाल है मोहतरमा अंजना ओम मोदी जी, वो पीछे थोड़ी हट जाएंगी मजे लेने में। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, और इस वीडियो के अंदर हमको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाए जाएंगे जहां पर अंजना ओम मोदी भिड़ गई है स्मृति ईरानी जी से, क्योंकि ईरानी जी तो यही सोच रही है कि पत्रकार तो सारे भाजपा का ही साइड लेंगे। पर ये एक सबलिमिनल तरीका होता है ना साइड लेने का भी, कि लो भी पता भी ना चले। यार जनता बेवकूफ नहीं है, हमको पता चल जाता है, पर जब स्मृति जी रूढ़ हो जाती हैं तो क्या करें, अंजना ओम कश्यप भी फिर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो वो सारे इंटरव्यूज जिसमें अमेठी से खड़ी हुई कैंडिडेट हारने से पहले ही हार चुकी थी वो हम देखेंगे। और इनकी हार तो निश्चित थी क्योंकि साल भर पहले भी ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें ये नमाज को क्रिटिसाइज कर रही थी, लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग कह रहे थे स्मृति ईरानी चोर है, नारे गूंज रहे थे, इनके रोस्ट वीडियोस इंटरनेट पर चल रहे थे। तो समझ आ जाता ना कि लोग क्या चीज देखना चाह रहे हैं। भाई ये तो बंदी आउट होकर रहेगी और हो गई, थैंक गॉड। अमेठी की हार ने उनको तपस्वी बना दिया। मुझे क्या बताऊं, उनसे पूछे, आप ही ने बोला कि मैं वही तो कह रही हूँ। आप 2014 से पहले का देख लीजिए ना, तपस्वी तो आज बने, तपस्या पे तो हमें ना निकाला 19 में, कि सारे पुराने बयान निकाल कर कांग्रेस पार्टी आप ही को टारगेट करती है। अब देखिए, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने गढ़ में हारा है, और किसी राजनेता की औलाद से नहीं हारा, एक सामान्य परिवार की लड़की से हारा है, चोट तो लगेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है, आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक आपने वादा किया, इस बार किसान सम्मान निधि को भी 6000 सालाना से आपने 1 रुपया। मैं दोबारा कह रही हूँ अंजना जी, एक जमाना ऐसा था जब लोग कहते थे कि भाई रजिस्टर में बच्चे का नाम है, 0 to 6 की आयु है, वो रजिस्टर वैसे का वैसे ही 10 साल चलता था और चला है यूपीए के कार्यकाल। उसी तरफ एक प्रश्न बाजार की भी तरफ से है कि अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गए? प्रोएक्टिव वो, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है जिन्होंने LIC में SBI में इन्वेस्ट किया है, उनका ये प्रश्न है कि क्या हमारे रेगुलेटर्स को ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर विदेशी कोई, जो कि हिंडनबर्ग खुद ही US जस्टिस डिपार्टमेंट उनकी जांच कर रहा है, लेकिन हम वल्नरेबल दिख रहे हैं कि कोई ऐसी विदेशी रिपोर्ट आती है और हमारे बाजार में बात शुरू हो जाती है। देखिए, ये चित भी मेरी पट भी मेरी है कि जिन जिन लोगों को जवाब देना चाहिए था, LIC के मुखिया, SBI के मुखिया और RBI ने स्टेटमेंट दिया है, फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा गया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन पर इसलिए कलंक लगाना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करता है? ये विपक्ष के लोगों को जवाब देना। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डिंगे ना ही हाँके तो बेहतर। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बहुत दिन नहीं रही, इसलिए अमेठी नहीं आई। आती तो हिसाब मांगते हैं हम। 24 में क्या लग रहा है आपको अमेठी को लेकर? या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को कि फिर आए चुनाव लड़े आपके सामने? मैं आपको 14 याद नहीं है स्मृति कौन? मैं इतना ही कहूंगी, 14 हो या 24, हाँ 14 हो या 24 मैं नहीं जानती, पार्लियामेंट्री बोर्ड को पता है कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन जो मैंने 19 में कहा था वो आज भी आई थिंक कायम है। मजा आया। मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा नहीं कि मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री की परीक्षा मीडिया के साथ साथ जनता भी ले रही हो।
अरे कहना क्या चाहते हो? अब इतनी हिम्मत तो है कि जनता के बीच में बैठकर किसी भी सवाल को मैं स्वीकार कर सकूं और उसका जवाब दे सकूं। मजा नहीं आ रहा है। मैंने मात्र इतना ही कहा कि अगर आप मुझे राजनीतिक चुनौती देते हैं, अच्छा, और आप भी अगर जनता में से ही उपज कर जनता का काम करने का दावा करते हैं तो थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आप भी मैदान में आइए। कुछ भी? अच्छा कुछ भी? लेकिन स्मृति जी, राहुल गांधी से आपने अमेठी में जाके टक्कर ली, बेशक चुनाव हार गए लेकिन टक्कर कड़ी थी, सबको पता है। क्या इस बार फिर जिस ढंग से बार बार आप जा रही हैं अमेठी में, 26 तारीख को गई, उससे पहले गई, तो क्या वहाँ पे अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी? और राहुल के साथ आमना सामना क्यों कर रही है, कोई वजह है खास? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुझसे ज्यादा आप क्यों परेशान है कि मैं किसका सामना कर रही हूँ। जली ना, तेरी भी जली। ऐसा है कि आप तो ऐसा प्रश्न करते हैं जैसे हे भगवान, कितना घोर अन्याय और पाप हो गया कि स्मृति अमेठी चली गई। कुछ भी? अब अमेठी से चुनाव में लड़ी हूँ, मैंने जनता को उस वक्त वादा किया था कि मैं लौटूंगी, अपने वादे को एक तो पूरा कर रही हूँ। झूठ है। फिर आपके पेट में दर्द क्यों? डर इसलिए है क्योंकि आपको डर किस बात का है कि मैं राहुल को ललकार रही हूँ, इस बात का डर है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? मेरी ललकार सुन रहे हैं, इस बात का डर है? मतलब आपका पक्ष किसी की तरफ है? आप राहुल जी की तरफ से सवाल कर रहे हैं आज तक? बस हवा निकल गई। किसी से सवाल कर रही हो? सवाल नहीं, सवाल ये किसकी तरफ से कर रहे हैं? राहुल जी की तरफ से आज तक? नहीं, आज तक की तरफ से, जनता की तरफ से। बात तो सही है। एक सेकंड, राहुल गांधी को ललकार के आप असल मुद्दे से दरअसल लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। सही पकड़े हैं। अरे लेकिन एक मुद्दा आपने कहा, जान क्यों नहीं? मुद्दा जवाब तो यही दे रहे हैं, उनका सारा बताइए मुझे। अरे उनका सहारा नहीं ले रही हूँ, आप उनके पीछे मत जाओ। एक सेकंड। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो पहले सवाल को दुरुस्त कीजिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सवाल ठीक करो। यही दिक्कत है स्मृति ईरानी जी की, आप फिर भटका रही है। समृति जी, आप मुद्दे से भटका रही हैं। आप सवाल सवाल को फेस कीजिए, माइक के बिना उनकी आवाज नहीं आएगी। आप मैं माइक अपने लोगों को भी दे रही हूं। भाई तो सवालों से इतनी बौखलाहट कि जवाब देने के बजाय कह रही हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये हैं केंद्रीय मंत्री, और जब अंजना ने फिर से इनसे सवाल किया तब भी इनके मुँह से जवाब नहीं निकला। तो इन लोगों के साथ दिक्कत तो यही है कि सवाल को फेस नहीं कर सकती, इनके पास सवालों का जवाब नहीं होता, देश के असल मुद्दों पर जवाब नहीं होता। पर इन्हें बकलोली करने को कह दो तो लंबी लंबी फेंकने लग जाएंगे, ये है इनकी सच्चाई। समृति जी, सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों के बीच में। वाह क्या सीन है। अरे अंजना जी रुक जा, एक मिनट, एक हाथ उठा रहे हैं, सबसे पूछेंगे, लोगों से भी पूछेंगे। भगवान करण के सवाल पर आप जवाब देंगे मेरा? क्या भगवान करण के सवाल पर जवाब देंगे? अंजना जी वाह क्या सीन है। अंजना जी अब मैं बोल, यही दिक्कत है। नहीं, आपने मेरा सवाल खत्म नहीं होने दिया। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। दिक्कत क्या है? मेरा सवाल मैं आपको बताती हूँ, दिक्कत क्या है? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मेरा सवाल दिक्कत पूरा होने ये दे। है हाँ। कि आप पहले ये प्रपोज करती हैं कि जनता की तरफ से कुछ बोल रही हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कि किसने कहा? अरे अभी टेप चल रही है, आपने बोला। आपसे आप जनता बोलने लगी है? इस प्रकार की बचकाना बातें। राहुल गांधी ने एनएसयूआई के भाषण में आप पर शिक्षा के भगवा कर रखा है। अब जनता राहुल गांधी की तरफ से सवाल करने बैठी है। मैं सवाल कर रही हूँ विरोध की तरफ से, जिसमें ये कहा आप राहुल गांधी की तरफ से सवाल कर रहे हैं। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, दोनों एक साथ प्रहार कर रहे हैं ना। सवाल पूछ रहे हैं, आपने कहा राहुल गांधी की तरफ से सवाल कर रहे हैं। जनता के सवाल तो उठेंगे ना समिति जी, सवाल उठे हैं, जनता आपके सामने बैठी है। सवाल उठे हैं, बात तो सही है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं ये अंजना जी, एक सेकंड, स्मृति ईरानी जी एक आरोप बताती हूँ। वाह क्या सीन है। पर समृति जी पार्लियामेंट में एक सेकंड रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, अंजना जी आप मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए। सवाल खत्म किए बिना आज आइडियोलॉजी की बात करनी है ना। सामने नंदिता नारायण बैठी है, वो लेफ्ट पार्टी से, भाजपा से नहीं है।
अरे कहना क्या चाहते हो? फिर उनसे पूछिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत होती है तो संवाद करने के लिए हमारे पास आते हैं। किसी पक्ष का मंत्रालय नहीं है, ये मैं इनको भी बोल चुकी हूँ और सबको बोल चुकी हूँ। आरोप क्यों लगते रहे? ये बात तो सच है। एक सेकंड, राहुल गांधी का काम है आरोप लगाना। अच्छा, आरोप नहीं लगाएंगे तो उनका क्या राजनीतिक व्यक्तित्व बचेगा? तो आपका क्या कहना उसके ऊपर? मेरे क्यों अपना समय बर्बाद? मेरा काम है इनका काम करना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। आप अमेठी में जाते हैं, आरोप तो लगाती रहे, फूड पार्क का मामला रहा हो या दूसरे मामले, आप भेजती तो है उनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आपको मैं मामले बताती हूँ, क्या आरोप लगाया उन्होंने? भगवाकरण हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। कहा उन्होंने NIT नागपुर में आपने जो चेयरपर्सन लगाया वो भगवा एक बैकग्राउंड से है। हाँ भाई हाँ। कि अगर हम आपको नियुक्त करें तो आप सेक्युलर हैं, और अगर स्मृति ईरानी आपको नियुक्त करें तो आप भगवा हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि क्रिसमस आइडियोलॉजी बड़ी? क्रिसमस के दिन जिस दिन छुट्टी की बात थी आपने स्कूल बंद सवाल। अरे मैडम, आप सवाल करेंगे तो तथ्य के आधार पर करते हैं मैडम, क्योंकि आप झूठ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। यही नहीं, अभी और सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। आप झूठ बोलना बंद कीजिए, गुस्सा करना बंद कीजिए। आप गुड गवर्नेंस डे उसको मनाना चाहते हैं? अनुष्का जी, सवाल मैं सवाल कर चाहिए, झूठ बोलने का कोई अधिकार? गुड गवर्नेंस डे करके क्रिसमस की छुट्टी को खत्म करने का आरोप क्रिश्चियंस की भावनाओं को आहत कर सकता है, चोट पहुंचाती है। जिनाजी हाँ। फिर से बोल रही हूँ, गुड गवर्नेंस डे का दो नजरिया। अगर अटल जी 25 दिसंबर को पैदा हुए, ये क्या मेरी गलती है? थोड़ी मर्यादा रखिए। और 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे? अंजना को क्या बात बताए? 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे या नहीं? क्रिसमस मना, बताइए उनकी गलती है। शाबाश बेटा, बंद थे क्या 25 दिसंबर को? जनता जानती है क्या 25 दिसंबर मनाते हैं? इसीलिए स्कूल बंद थे, तो छुट्टी होनी चाहिए। पंचजन्य के पूर्व संपादक कई पत्रिकाओं के रह चुके हैं। झूठ है, हम ये कह रहे हैं की गलती थी, आप भी वही कर रही है। सही पकड़े हैं सारे के सारे जिन प्रकाशन के वो एडिटर रह चुके हैं, क्या वो सारे भगवान हैं? विवादों के मंत्री क्यों कहा जाता है आपको? इतने विवाद क्यों हैं आपके आसपास? ये बड़ी अच्छी बात कही है कि आप अगर जानबूझ के विवाद बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? हम नहीं बना रहे, देखो मैं आपसे पूछ रही हूँ। पर समिति जी, ये तो आपको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। नहीं तो मैं जवाब दूंगी, आज आपको चुनौती देती हूँ, मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। राहुल गांधी बैठेंगे क्या? कुछ भी, कुछ भी बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो क्या लेकिन आप अच्छे दिनों की बात तो आप कर रहे हैं ना? अच्छे दिन आए, अच्छे दिन कब आए? अच्छे दिन का मतलब ये नहीं है। मजा आया, I loved it when Anjana O Modi was Kashyap in reality. किस कदर वो सवाल जवाब कर रही थी। आज इतना खुलकर के जनता की तरफ से बोलने की हिम्मत नहीं है या इजाजत भी नहीं है। और खैर ये चीज़ तो अंजना जी ने और बाकी जो गोदी मीडिया के पत्रकार अपने आप को कहते हैं उन्होंने खुद क्रिएट करी है ना खुद के लिए, कि वो खुल कर के सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने घूसखोरी जो है वो कर ली है। पर जिस तरीके से अंजना जी इस वीडियो के अंदर पोल पट्टी जो है खोलते हुए दिखाई दे रही थी भाजपाइयों की, काश के वापस से वो दिन वापस आ जाएं। और एक दिन तो ज़रूर आएंगे। वो जो सारा अहंकार स्मृति जी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था, उनकी बातों में झलक रहा था, वो तो खत्म हो जाना चाहिए। इतनी बड़ी हार के बाद सबसे बुरी तरीके से हारने वाली श्रीमती स्मृति ईरानी जी के अंदर से, पर दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने सुना था भगवान जाने इनकी माया। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप को इस पोजीशन तक जनता ने पहुंचाया है तो उसका उचित उपयोग करना चाहिए ना, देश के हित में काम करना चाहिए, पर यहाँ तो ऑपोजिट होता है। खैर इस बार ऑलमोस्ट आधी सीट्स इंडिया गठबंधन ने भी जीती हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। अगर ये ना होता तो भाजपा अलग ही तरीके से शासन कर रही होती, एंड दैट वुड हैव बीन ड्रेडली। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। और ऐसे ही दिल खुश कर देने वाले वीडियोस को साथ बैठकर हम देखा करेंगे। और आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।